ये देखें, नहीं ये तो मैच नहीं है, मस्टर्ड सही वाला मस्टर्ड कलर, ये देखो जरा ये मस्टर्ड भी मैच हो रहा, नहीं ये भी नहीं मैच हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, हाँ इसको जरा निकाल लो, लेकिन अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया एटीएफ विद अ न्यू व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले कई व्लॉग्स की तरह आज का व्लॉग भी ईद की तैयारी के सिलसिले की ही एक कड़ी है। पिछले काफ़ी दिनों से बाज़ार के छोटे छोटे काम जैसे दुपट्टा डाई करवाने, लेस बटन मैचिंग और सबसे ज़रूरी टेलर की तरफ हाज़िरी, ये सब काम पेंडिंग होते जा रहे थे। कभी गेस्ट, कभी ईद की तैयारी के सिलसिले में घर के ज़रूरी काम जो आपने कल के व्लॉग में लाजमी देखे होंगे। तो आज सारा दिन शदीद गर्मी में घर के रूटीन के काम कर रही थी कि अचानक हरम ने कोई 5:30 बजे मुझे कहा कि मुझे जौहर टाउन की साइड पर जाना है, अगर आपने जाना है तो चलें। मैंने मौका गनीमत जाना। हरम ने इतनी जल्दी डाली कि चेंज भी करने नहीं दिया, बस ये किया कि अपने रूटीन बैग की जगह ये क्रॉस बॉडी बैग लिया ताकि कपड़ों के बैग इजीली कैरी कर सकूं, क्योंकि मैं अकेली जा रही थी। गर्मी की वजह से अपने शेड्स भी साफ़ करके कैरी कर लिए। बाज़ार के लिए जाने वाले बैग्स तो मैं ऑलरेडी स्टैंड बाय रखती हूँ, एक बैग डाई करवाने वाले कपड़े और दूसरा बैग कुछ शर्ट्स जो दराज से मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, उन पर ये मैग्नेट्स लगे हुए आ गए थे जो वो स्कैन के वक्त रिमूव कर देते हैं, तो इनको उतरवाना सबसे मेन काम था, क्योंकि आपको पता है इसके बगैर तो शर्ट्स को पहनना ही मुश्किल है। तो बस मैं हो गई तैयार। टाइम भी अब तकरीबन 6:30 हो रहे थे, गर्मी की शिद्दत भी कम हो गई थी, टाइम भी अच्छा था बाज़ार जाने के लिए। तो घर के ही कपड़ों में मैंने बस थैले उठाए, पानी की बोतल ली और निकल पड़ी। हरम ने अपना काम ख़त्म करने के बाद वापसी पर मुझे पिक करना था। अब मगरिब भी होने वाली थी और मैं सोच रही थी कि डायर को कपड़े तो दे दूंगी, पर रात हो गई तो कलर कंफर्मेशन मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग इतने केयरलेस होते हैं, जब तक खुद से तसल्ली ना की जाए तो इन्होंने कहाँ कोई काम ढंग से करना होता है। खैर फिर भी मैंने जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि इस तरह पहले भी काफ़ी दिनों से बाज़ार जाना मुश्किल होता ही जा रहा था, और 2-3 दिन से लाहौर में जो गर्मी के हालात हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। दिल करता है कि घर में और वो भी एसी के कमरे में ही सारा टाइम गुजार दें, और किचन के रूटीन के काम भी इतने मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन जो काम करना है वो तो बहरहाल करना ही है। सूरज के मद्दम होने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब ज़रा गर्मी की शिद्दत भी कम हो गई है। गर्मी की वजह से मैंने अपने और हनी के कपड़े इसी वजह से ऑनलाइन ही मंगवा लिए थे, ताकि गर्मी में मुझे निकलना पड़े ना पड़े बाज़ार में, और आपको पता है बड़ी ईद मोस्टली आ ही गर्मी में रही होती है। लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे काम बहरहाल करने तो पड़ते ही हैं, बेशक आप कपड़े ऑनलाइन भी मंगवा लें। तो इस तरह से हरम ने फिर मुझे वहाँ ड्रॉप दिया बाज़ार के बिल्कुल ऐन बाहर, तो उसने मुझे कहा भी कि मैं आपके ये बैग्स उठाकर साथ ले जाता हूँ, बट मुझे पता नहीं था कि मैंने कहाँ देने हैं ये। खैर मैं बिल्कुल बाज़ार जीवन मार्केट पहुँच गई, बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर राइट साइड पर सबसे पहला जो डायर बैठा था, फिर मैं उसके पास ही रुक गई और मैंने मुनासिब समझा कि मैं उसी को ही कपड़े दे दूँ। नहीं कोई बात नहीं, ये बेस कलर के साथ करते हैं। रंग उतार के होगा। हाँ ये ट्राउजर का रंग उतार के होगा, और ये जो है ये इसका बेस कलर का ऑरेंज कलर का करते हैं। ये भी बेस कलर ब्लू जो है ना इसका कलर हो जाएगा, ये वाला कलर करना है डार्क। ये दुपट्टे का थोड़ा सा लाइट है ना, तो इसी को ये जो पाइपिंग हुई हुई है ना इसी कलर का इसको कर। गोल्डन इसी तरह रहेगा ये? हाँ गोल्डन बेशक ऐसे ही रहे, लेकिन ये जो कलर है ना ये वाला। हाँ तो इसी ग्रीन दुपट्टे के साथ जो शर्ट थी उसके ऊपर बटन्स मैच करने के लिए मैं फिर ये लेस बटन्स वाली जो हमेशा मैं जिस शॉप पर आती हूँ मैं वहाँ पर आ गई। इनके पास हर तरह की लेस मैचिंग और बटन्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं। ये जो
पर्पल नहीं लगा हुआ, ये आँख ऊपर नीचे नीचे आओ, नीचे नीचे ये पर्पल लगा ना, इसके नीचे जो ग्रीन है, हाँ ये देखो, इसी सी ग्रीन से शेड के साथ मैचिंग मैंने डिफरेंट वैरायटी के बटन्स निकाल कर ऊपर रख के चेक किए कि उनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है और कौन सा नहीं। ये वाला निकलवाया, ये कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, फिर ये मैंने निकलवाई, ये थोड़े से एलिगेंट और डिसेंट लग रहे थे। तीन चार और ऑप्शंस भी अवेल किए। अब आपने मुझे देख के बताना है कॉमेंट सेक्शन में कि आपको इनमें से कौन सा बेहतर लगा, तो मैं फिर चेक करूँगी कि मेरी पसंद के साथ आपकी पसंद कितनी मैच करती है, और आपके कमेंट को फिर मैं पिन भी करूँगी। तो आपने लाजमी मुझे बताना है कि आपको इनमें से कौन सी ऑप्शन अच्छी लगी। आगे चलकर एक दो और ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। वाला ग्रीन, हाँ ये ग्रीन निकाल दो मुझे। ये तुम्हारे पीछे जो है ना, ये वाला, ये दूसरा नंबर, सात 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 सात, हाँ ये दिखाओ, खोल के दिखाओ इसको। और ले क्या भाई, अगर इसमें कलर है कोई और ग्रीन वाला, ये दोनों दे दो कलर्स जी। तो ये दो और ऑप्शंस मैंने निकलवाई हैं, दो एक तरह के बटन्स हैं बट इनके शेड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये भी अच्छे लग रहे थे। बट ये शर्ट जो है वो ऑलरेडी फैंसी है, गला भी इसके ऊपर ये फैंसी बना हुआ था, बस मुझे ये था कि थोड़ा सा इसमें बटन्स का टच हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो इस वजह से फिर ये दो भी मैंने रख कर चेक किए कि कौन सा सही लगता है। तो इन सब में से फिर कौन सा मैंने फ़ाइनल किया, ये आपने मुझे बताना है। ये देखें, नहीं ये तो मैच नहीं है, मस्टर्ड सही वाला मस्टर्ड कलर, ये देखो थोड़ा ये मस्टर्ड भी मैच हो रहा, नहीं ये भी नहीं मैच हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, हाँ इसको ज़रा निकाल लो, लेकिन इतना ज़्यादा मैच नहीं है। जाएगा जाएगा, वो ब्रांडेड, चलो इसको साइड पे रखो ना, और अगले ऊपर वाली शर्ट, हाँ ये देखो इसके साथ मैच है। इसके साथ आपको कैसे मल्टी शेड में दिखा दें? नहीं नहीं शेडेड नहीं चाहिए, सेम सेम शेड चाहिए। ये मस्टर्ड के साथ है देखो, नहीं। और ये इसके साथ है, दूसरे के साथ डार्क लग, ये डार्क नहीं है वैसे, ये कलर मैच है, ये तो डार्क लग रहा है ना, लूँ मस्टर्ड वाला नहीं तो ये जो मैजेंटा नज़र आ रहा है ये भी नहीं, और ये लाइलेक वाला देखो, नहीं ये गोल्डन पट्टियों वाला नहीं चाहिए, अच्छा ये भी नहीं, और ये वाला ग्रीन देखो, ये दो दुपट्टे पड़े हुए हैं ग्रीन के साथ, ये थोड़ा सा परे करना शर्ट दिखाना, हाँ नहीं नहीं तो शर्ट भी दिखाओ ना थोड़ी सी, ये तो प्रिंटेड है ना, मैं कह रही हूँ शर्ट दिखाओ नीचे से, हाँ और वो दूसरा भी स्ट्रिप्स वाला भी दिखाओ, नहीं बस वो मैजेंटा वाला ही सही लग रहा है, लेकिन कौन सा ये मैजेंटा वाला, ये लूं के ना लूं बताओ, ये चलो ठीक, थैंक गॉड फाइनली इट्स डन। यू नो हनी जब तक छोटी थी ना तो मैं अपने बिहाफ पर इसकी कोई भी चीज़ बेधड़क बाय कर लेती थी, पर अब पूछे मत। वैसे तो हम दोनों की चॉइस बहुत टैली करती है, बट जब तक वो साथ ना हो मैं कुछ भी फाइनल करने से पहले उससे वीडियो कॉल पर कंफर्म कर लेती हूँ। तो इसके बाद आती है जनाब टेलर की बारी, जिन्होंने एज़ यूजुअल मुझे ख्वार करना था और आज भी वही हुआ। इस सीज़न में सिर्फ ये ग्रीन सूट जो आपको नज़र आएगा काउंटर टॉप पर, ये मैंने इनको दिया था सिर्फ सिलने के लिए कोई महीना पहले, ये वाला। और पिछले साल के कुछ कपड़े जब मैं वेट लॉस पर थी तो ऑल्टर के लिए दिए थे, वो भी वैसे के वैसे पड़े थे, तो मैंने कहा तो उसको कुछ नहीं, बस खामोशी से ये सब कुछ उठाया और वापस ले आई, क्योंकि कहने का कुछ फ़ायदा नहीं था, इनके साथ बहस ही करनी थी और क्या था। ये कपड़े थे जो कि लास्ट ईयर मैंने ऑल्ट्रेशन के लिए दिए हुए थे। उसके बाद किरण ने मुझे जो अपनी घड़ी दी हुई थी कि इसमें सेल आप डलवा देना, तो मैं फिर ये घड़ी वाले के पास आ गई, तो उसको मैंने ये दी, मैंने कहा इसमें आप सेल डाल दें, तब तक मैं मीनवाइल अपने और काम कर आती हूँ। तो घड़ी पकड़ाने के बाद फिर हनी ने मुझे बोला हुआ था, ये बिल्कुल जीवन मार्केट में ऑपोजिट साइड पर सड़क क्रॉस करके लेयर्स की एक आउटलेट है,
तो उसने कहा था कि आप मेरे लिए ब्राउनी ले आना। तो फिर मैं इनके ये आउटलेट की तरफ हुई। मुझे तो बेसिकली देखा जाए, वैसे तो मैं मीठा इतना अवॉइड ही कर रही होती हूँ, बट मैंने एक चीज़ नोट किया कि इन लोगों की जो केक्स वगैरह और ब्राउनीज़ वगैरह हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ही मीठी हैं, बट बच्चों को उनकी आइटम्स बहुत पसंद आ रही होती हैं। तीन तरह की ब्राउनीज़ अवेलेबल थीं और हनी ने मुझे न्यूटेला चॉकलेट ब्राउनी का बोला था, जो फिर मैंने वहाँ से पिक की। और फिर मैं आगे नेक्स्ट गई, अब मुझे वो मैग्नेट्स उतरवाने का काम करना था। तो इसके लेयर्स के बिल्कुल साथ ही स्टाइलो है और स्टाइलो के साथ ही लाइमलाइट है, तो मैंने कहा कि चले मैं उनसे ट्राई कर लेती हूँ, मे बी वो अपने सिस्टम से इसको मैग्नेट को रिमूव कर दें। तो मैं फिर वहाँ जाने का सोचा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये मेरे पास जो शर्ट्स हैं वो मैंने दराज से ऑनलाइन जो बाई की हैं वो सफ़ायर ब्रांड की हैं, और मैं लाइम लाइट पर जा रही हूँ, तो मे बी वो ये रिमूव करें या ना करें, मतलब वो अथॉरिटेटिव हैं या नहीं। खैर फिर भी मैंने कहा कि चलो मैं एक दफ़ा गेस कर लेती हूँ कि मे बी ये मेरा काम हो जाए। तो मैं फिर उनके आउटलेट की तरफ गई और उनसे फिर मैंने पूछा कि इस तरह मैंने ऑनलाइन बाय किया और उसके साथ ये मैग्नेट्स लगे हुए आ गए हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आप सफ़ायर के ब्रांड पर ही जाकर रिमूव करवा सकते हैं। खैर फिर मैं वहाँ से, वो मैग्नेट्स का काम तो नहीं हुआ, वो मैं एज सच शर्ट्स पकड़ी और मैं वापस आ गई। नेक्स्ट फिर मैंने यहाँ से, उतनी देर तक घड़ी रेडी हो चुकी थी, फिर मैंने वो पिक की। मीन वाइल जो है मुझे ना बच्चों की बड़ी बुआ का फ़ोन आ गया था कि मैं आ रही हूँ, तो उन्होंने इकबाल टाउन की साइड से आना था मेरे घर की तरफ, तो ये रास्ते में जीवन मार्केट जौहर टाउन पड़ती है। फिर मैंने उनसे बोला कि आप मेरे पास आ जाएं, यहाँ से फिर हम हरम के साथ इकट्ठे घर चले जाएंगे। तो वो फिर ये जीवन मार्केट की मेन मस्जिद के पास आके ड्रॉप हो गई और फिर मेरे साथ यहाँ टेलर की शॉप के सामने उनकी मुलाकात हुई, और फिर वो मेरे साथ घूमी फिरी। हमने कुछ ऐसे विंडो शॉपिंग की, चूड़ियों वगैरह के स्टॉल्स चेक किए, मेहंदी भी अब डिस्प्ले में आ गई हुई है, ईद में अब थोड़े दिन बाकी हैं। और उसके बाद फिर हमने कुछ जूतियों की वैरायटी भी देखी। इस तरह से मैंने और बाजी ने मिलकर बाज़ार का मज़ीद विज़िट किया। काफ़ी क्लिप्स मैंने आपके साथ शूट नहीं किए क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही थी। खैर ये खुशों की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पर, लाइक 1500 से 2000 में ये अवेलेबल थे। फिर हमें लग गई भूख और हम आ गए CBC, जो यहाँ पर बहुत इनका मशहूर जो है आइसक्रीम्स वगैरह, बर्गर्स, शवारमा और वॉफल्स वगैरह मिल रहे होते हैं। तो टाइम भी तकरीबन 7:30-8 हो रहे थे, और जिनको मेरे रेगुलर व्लॉग्स जो लोग देखते हैं उनको पता है कि मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से मुझे 8 बजे तक अपना डिनर डन करना होता है, और बाजी भी साथ थी तो हमने फिर कुछ खाने का सोचा। ये बर्गर मैंने बाजी को ऑर्डर करवा दिया, ये ग्रिल्ड बर्गर था, और मैंने अपने लिए जो है वो शवरमा प्लेटर कर लिया ऑर्डर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो जो सैलड है और उसके अलावा स्टीम चिकन है उसकी ऑप्शन होती है, तो वो मेरे लिए फिर थोड़ी सी अच्छी रह जाती है। तो इसमें ये ओरिगैनोज और ये खीरा वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे जो है सूट करती हैं खाने में। तो इस तरह से फिर हमने अपना डिनर इन्जॉय किया, और मीनवाइल मैंने हरम को फ़ोन कर लिया कि कब तक वो पहुँचेगा, क्योंकि अब तो हमारा ऑलमोस्ट काम जो है कम्प्लीट हो चुका था मेरा बाज़ार का, और बस डायर से जाते जाते कपड़े पिक करने थे। तो उसके बाद फिर हमने आइसक्रीम भी इन्जॉय कर ली, थोड़ा मीठा भी हो गया, मैंने भी छोटा कप आज इन्जॉय कर लिया। मीनवाइल हरम आ जाता है और हम कपड़े पकड़ते हैं और हम घर की तरफ वापस रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगी व्लॉग का एंड। आई होप आपको कॉन्टेंट पसंद आया होगा, और हाँ, आप लोगों में से काफ़ी लोग नए व्यूअर्स हैं मेरे जो कि मुझे सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।